हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कुकिंग एंड मस्ती ब्लॉग। तो आप सब कैसे हैं? अच्छे हैं, सेहतमंद है, अपना ख्याल रख रहे हैं कि नहीं? बेशक रख रहे होंगे। और अगर नहीं रख रहे हैं और आप चाह रहे हैं कि अपना ख्याल कैसे रखें, तो मैं आपके हेल्प के लिए बिल्कुल रेडी हूँ। तेल मसाले बिल्कुल कम यूज करके मैं एक से एक रेसिपी बनाती हूँ। तो आप चाहें तो मुझे फॉलो कर सकते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि मेरी वीडियो की सारी नोटिफिकेशन आपके पास जाएगी। तो गाइस, आज मैं बनाने वाली हूँ बहुत ही इजी एक छोटी सी रेसिपी, आज लेकर आई हूँ बहुत ही छोटी सी। तो जैसे कि हमारे घरों में डेली यूज में दाल बनता है, और दाल के तड़का जो हम लगाते हैं वो हम लोग लगाते हैं लहसुन या फिर जीरा या फिर ये साबुत जो मिर्च है उससे। लेकिन आज हम जो तड़के लगाएंगे वो गाइस बहुत ही बेहतरीन और लाजवाब, इतनी मस्त तड़के लगाएंगे कि ये तड़का आप लोगों को हमेशा याद रहेगा और आप हमेशा ऐसे ही तड़के के साथ दाल को खाएंगे। तो जैसे कि मैंने हमेशा की तरह दाल को आज भी बना लिया है, आपको दिखा रही दाल को बना लिया है। दाल को, दाल में मैंने दाल, पानी और नमक और हल्दी सिर्फ डाला है। डाल के इसको अच्छे से गला लिया है, गल गया है मेरा दाल। मैंने इसके मदद से हल्की हल्की इसको घुमाते हुए इसको पूरा खूब अच्छे से मैश कर लिया है। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको थोड़ी सी गाढ़ा ही रखने देंगे, ठीक रहेगा तो बहुत ही लाजवाब इसका टेस्ट आएगा। या आप अपने अकॉर्डिंग इसको पतला भी रख सकते हैं, तो मैं तो रखने वाली हूँ ठीक। और इसके बाद मैं तड़का कैसे लगाऊंगी वो मैं आपको बता रही हूँ। फिलहाल इसको हम रखते हैं चूल्हे पे एक बार और गर्म करने के लिए, क्योंकि अगर आप इसमें पानी डाल दीजिएगा तो इसको गर्म होना तो बहुत ज़रूरी है। तो गाइस, अब देख सकते हैं मैंने एक तरफ रख दी है दाल को दोबारा गर्म करने के लिए, क्योंकि पानी डाला हुआ है तो फिर से गर्म करना बहुत ज़रूरी है। और एक तरफ मैं ले ली हूँ पैन, ये मेरा फ्राई पैन है या फिर तड़के का पैन, जो भी आप कह लीजिए। फिलहाल मैं इसको तो तड़के का पैन ही रखी हूँ। तो ये मेरा हो गया तड़के का पैन, और इसमें मैं आज ना तो रिफाइन यूज करूँगी ना ही सरसों ऑयल यूज करूँगी। आज मैं तड़का लगाऊंगी घी से। तो आप सब पूरी वीडियो ज़रूर देखिए। तो गाइस, मैंने पैन में डाल दिया है इसे स्पून से 3 स्पून घी, और घी के बाद जैसे ही हमारी घी गर्म हो जाएगी तो हम इसमें सबसे पहले लगाएंगे जीरा। सबसे पहले हम जीरा डालेंगे गाइस। देखिए, हमारी जीरा जैसे ही थोड़ी सी ब्राउन टाइप की होगी, हम इसमें डाल देंगे लहसुन। लहसुन के बाद जैसे ही कलर थोड़ी सी चेंज होगी, हम डाल देंगे इसमें अपनी जो ये साबुत मिर्च है वो मिर्च। उसके बाद गाइस 1 मिनट हम इसको अच्छे से चला लेंगे, अच्छे से इसको देख लेंगे। उसके बाद हमने ये एक प्याज लिया है, या चाहे तो आप अपना हाफ भी ले सकते हैं अपने दाल के अकॉर्डिंग। इसको अच्छे से मैश कर लेंगे ताकि सब अलग अलग हो जाए, और इसको हम डाल देंगे तड़के में। तड़के की जो घी है उसमें हम डाल देंगे। गाइस, आप सब एक बार ऐसे ज़रूर तड़का लगाइएगा हर रोज़। तो आप लहसुन और जीरे या साबुत मिर्च का तड़का लगाते हैं, एक बार आप सब ऐसे ज़रूर तड़का लगाइएगा। फ्लेम को कर देंगे हाई, और इसको करेंगे थोड़ा सा ब्राउन, हल्का ब्राउन कलर हम सिर्फ चेंज करेंगे। इसके बाद हम आपको दिखाएंगे कि क्या करना है। आप वीडियो स्किप ना करें ये सोच के कि ये तो दाल फ्राई है। जी बिल्कुल नहीं, ये दाल फ्राई नहीं है। और दाल फ्राई मैं कैसे बनाती हूँ, अगर आप लोगों को चाहिए तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं दाल फ्राई बना के आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी कि मैं दाल फ्राई कैसे बनाती हूँ। फिलहाल मैं ये लगा रही हूँ दाल में तड़का। तो आप सब देखिए, बहुत ही मस्त और लाजवाब ये दाल तड़का तैयार होता है गाइस। दाल भी हमारी दूसरी तरफ गर्म हो रही है बहुत ही अच्छे से। मैंने उसको लगातार चलाते हुए ताकि वो नीचे तले में ऊपर चिपके नहीं। तो गाइस, आप सब अगर मेरी वीडियो पे नए हैं तो मेरी वीडियो के आप चाहें तो, अगर हर रोज़ न्यू रेसिपी सीखना चाह रहे हैं तो मेरे वीडियो को आप, जो चैनल है मेरा कुकिंग एंड मस्ती ब्लॉग, तो आप उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि मेरी वीडियो की सारी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगी। और गाइस, एक बात और मैं बता दूं कि मैं अपने चैनल पे अपने वीडियो में वही चीज़ लेकर आती हूँ, वही कंटेंट लेकर आती हूँ जो आप सबके सेहत के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होते हैं। मैं उसी वीडियो को लेकर आती हूँ, उसी खाने को बनाती हूँ, आप लोगों के सामने पेश करती हूँ, ताकि आप सब उसको बनाएं तो खाएं, सेहतमंद रहें, और आपको अपना सेहत का ख्याल रखने में मेरी वीडियो काफ़ी हेल्पफुल हो सके। तो अगर आप ऐसा चाहते हैं
कि मेरी वीडियो से आपको हेल्प मिले तो आपसे मुझे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा बाकी लोगों के साथ, कमेंट बॉक्स में अगर कोई और रेसिपी चाहिए तो ज़रूर बताइएगा। तो गाइज देखिए हमारी हो चुकी है ये, बस हमको ऐसे ही रखना है, नहीं तो ब्राउन करना है नहीं कुछ। और इसके बाद हम डाल देंगे ये टमाटर। टमाटर में जैसा कि मैं हमेशा बोलती हूँ कि आप नमक डाल दीजिएगा, तो गाइज इस बार हम नमक नहीं डालेंगे। ये हमारी थोड़ी सी ठीक चेंज हुई है, ठीक है, तो हम इस बार इसमें नमक बिल्कुल ही नहीं डालेंगे और हम कर देंगे फ्लेम को हाई हाई फ्लेम करके, और एक स्पून की मदद से इसको अच्छे से 2 मिनट पका लेंगे, ठीक है। 2 मिनट तक इसको फ्राई करते रहेंगे। और दाल भी हमारी बहुत अच्छे से उबल चुकी है गाइस, तो हम दाल वाले फ्लेम को भी बंद कर दे रहे हैं और इसको हम ढक दिए। इधर हमारी ये भी बहुत अच्छे से हो गई, हमारी 2 मिनट हो चुकी है गाइस, देख सकते हैं आप। बस अब इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है, इसको हम उतार देंगे, इस फ्लेम को भी बंद कर देंगे। और यहाँ पे हम आपको दिखा रहे हैं तड़के लगा के। तो गाइस इस ढक्कन को हटाइए और आराम से तड़के में इसको डाल दें। तड़के में डालने के बाद गाइस तुरंत इस चम्मच को नहीं हटाया जाता, ये सब बातें तो आप लोगों को पता होगी ही, क्योंकि अगर इसको हम तुरंत हटा देंगे ढक्कन को और ये निकाल लेंगे तो टेस्ट हमारी जो है ना आधी हो जाती है, तो इस बात का आप लोग ख्याल रखिएगा। मेरी हर टिप्स को अच्छे से आप लोग फॉलो कीजिएगा। तो 2 मिनट हो गए हैं हमारे, हमने इसको हटा लिया। गाइस अब देख सकते हैं इसका कलर माशाल्लाह कितना बेहतरीन आया हुआ है, और टेस्ट तो पूछिए ही मत। तो आप सब जब एक बार ट्राई करेंगे इसे तो आप सबको लगेगा कि हाँ कोई दाल तड़का मिला है आज, और आप हर बार ऐसे ही दाल तड़का बना के खाएंगे। तो आप सब देख सकते हैं, मैं 1 मिनट आपको सर्व करके दिखाती हूँ। गाइस तो देखिए मैंने इसे सर्व करके दिखा दिया, वाकई में ये बहुत ही लाजवाब, देखिए अब कितना मस्त है ये। तो गाइस मैं आपको इसलिए बता रही थी कि हम इसमें नमक नहीं डालेंगे, क्योंकि जब हम नमक नहीं डालेंगे तो ये हमारे पीसेज पीसे जाएंगे दाल तड़के में, तो ये जो है ना, तो दाल तड़के में ना ये गाइस बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार लगता है। तो इसको आप रोटी के साथ, पराठे के साथ, या फिर आप चाहे तो दाल के, चावल के साथ, दाल ही जो आपको अच्छा लगे उसके साथ आप इसे सर्व कर सकते हैं। बहुत ही मस्त और लाजवाब होता है, इसका टेक्सचर भी आप देख लीजिए। और गाइस आप तो एक बार बिल्कुल ही ऐसे ट्राई कीजिएगा, बहुत ही मस्त और लाजवाब ऐसे बनता है। ये दाल तड़का मैं हमेशा बनाती हूँ, तो मुझे लगा कि आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ, सो मैंने कर दिया। आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगती है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर कोई रेसिपी चाहिए तो उसके लिए भी आप कमेंट कर सकते हैं, और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी ना लगे तो डिसलाइक कर दीजिएगा, कोई बात नहीं। और एक बात और गाइस, कि अगर आप हर रोज़ एक न्यू रेसिपी चाहते हैं, न्यू ट्रिक चाहते हैं, न्यू आइडियाज़ चाहते हैं, तो उसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि मेरी वीडियो की सारी नोटिफिकेशन आप तक पहुँचेगी। तो गाइस अब मैं चलती हूँ, मिलूंगी अगले नेक्स्ट वीडियो में न्यू रेसिपी के साथ, न्यू आइडियाज़ के साथ। थैंक यू, बाय बाय।